आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ली हांशू है। मैं नोएडा एनसीआर दिल्ली इंडिया से आई हूँ। मैं एक भारतीय चाइनीज स्त्री हूँ। ये बहुत दिनों पहले की बात है। 2009 अक्टूबर में मैं अपने परिवार के साथ चाइना घूमने आई थी। बीजिंग शांघाई क्वांगझोउ घूमकर चली गई, मगर मेरे दिल में एक बहुत अफसोस लग रहा था कि मैं खुद की लैंग्वेज चाइनीज नहीं बोल पा रही थी यहाँ के लोगों के साथ। फिर उसी वक्त मैंने ठान लिया कि मैं अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर मैं चाइना में ही आकर सीखूंगी। और फिर मैंने वेबसाइट में स्कूल ढूंढना शुरू कर दिया। फिर मुझे मिला किड्स स्कूल। किड्स स्कूल का वेबसाइट एक खुली किताब की तरह है। किड्स स्कूल में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए, जितने भी है सेंटेंस, पूरा सत्य है। वीडियो द्वारा किड्स स्कूल के एक एक कोने को दर्शाया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। किड्स स्कूल के यहाँ के टीचर्स, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने घर से दूर, इंडिया से दूर, इतने दूर आकर आप किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। किस स्कूल की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ उम्र की कोई बंदिश नहीं है, इसीलिए मैं इस किस स्कूल में पढ़ने के लिए आई। क्योंकि दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में वहाँ पर एक एज लिमिट है, यहाँ पर ना तो उम्र की बंदिश है, ना तो कोई कास्ट क्रेड कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर स्मॉल ग्रुप क्लास में आई हूँ और यहाँ हमारे साथ 12 और भी स्टूडेंट हैं, जो कि सभी विदेशी नागरिक हैं मुझे लेकर। आज मुझे आए हुए यहाँ पक्का 3 महीने हुए हैं, मगर मुझे बिल्कुल अपनी घर की याद नहीं आती है। बिल्कुल यहाँ की टीचर्स, पहली टीचर हमारी चिंगली टीचर थी, वो बहुत ही समझदार, मैच्योर और बहुत ही कुशल शिक्षक थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ह्वांग लाओशू आई। लाओशू मतलब टीचर होता है, शिक्षिका थी, और ह्वांग लाओशू इस स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट है और यहाँ 6 साल से पढ़ा रही है। उनका पढ़ाने का पैटर्न इतना अच्छा है, मैं जिसे चाइनीज का एक वर्ड नहीं आता था, कुछ बोल नहीं पाती थी, कुछ लिख नहीं पाती थी, आज के दिन में मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं 500 वर्ड्स से ज़्यादा बोल सक रही हूँ, पढ़ सक रही हूँ, लिख रही हूँ, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं HSK लेवल 3 भी लिख सकती हूँ। किड्स स्कूल के सभी टीचर्स बहुत बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सपोर्टिव है। कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, एक कॉल कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। और इस स्कूल की सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों को कभी कभी बाहर ले जाके गेम खिलाया जाता है। उसी के दौरान हमारे टीचर्स चाइना के हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, कल्चर के बारे में बताती है, किसी पार्क में गए तो उसके बारे में बताती है। इसी और वहाँ जाके हमारे चाइनीज गेम्स के दौरान भी हम लोगों को बोलना, पढ़ना और खेलते हुए चाइनीज हम लोग सीख जाते हैं। इसी तरह से हम लोगों को चाइना के इतिहास, कल्चर के बारे में भी धीरे धीरे पता चलता है। ये सिर्फ 3 महीने की बात है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे अब मेरा ये सेशन ख़त्म होने वाला है।
और मैं 22 दिसंबर को वापस घर इंडिया जा रही हूँ। मैं जा तो रही हूँ मगर फिर से वापस आने के लिए इसी स्कूल में अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए। ओ होय शो चुंग वल्ल ओ हनकाउशिन, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।